हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपीपी रिपेयर्स 97.95 में। ठीक है दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल पे भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए, टॉपिक आज का हमारा जो है वो हमारे मोबाइल में डिस्प्ले लाइट वर्क नहीं करती, जिसके संबंधित मैंने बोनियों के थ्रू कितनी वीडियो डाल दी है। लेकिन एक बार मैं फिर समझाने जा रहा हूँ कि हमारी जो लाइट होती है वो कैसे जलती है। ठीक है, तो पहले हम लाइट के बारे में जान लेते हैं कि हमारी जो लाइट होती है, मान लीजिए एक हमने यहाँ पे बल्ब ले लिया, ये हमारा हो गया बल्ब, ये मान लीजिए हमारा बल्ब हो गया। इसमें हमारे दो वायर होते हैं, मैं बल्ब का पहले समझा रहा हूं। उसी प्रकार से मोबाइल की भी लाइट काम करती है, तो इसमें एक तार नुमा इस प्रकार से लगा होता है, बल्ब में एक तरफ से तारनुमा लगा होता है। अब मान लीजिए जैसे हमें इस बल्ब को जलाना है तो हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि हमारी लाइट जो है वर्क कैसे करती है। तो जो मैंने तरीका अपनाया शायद आप लोगों को खराब भी लगे, लेकिन ये तरीका जो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए इसमें इसको हमें जलाना है, ये एक बल्ब है। ठीक है दोस्तों, एक बल्ब है, इसको जलाना है तो कैसे जलेगा। मान लीजिए इसमें हमने पॉजिटिव लाइन दे दी, यहां से ये होगी हमारी पॉजिटिव लाइन, तो ये लाइन इधर गई। अभी इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, इसमें तो कोई अभी लाइन गई नहीं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये बल्ब नहीं जलेगा। ये मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव भी पॉइंट चाहिए, जो आपस में टकराएंगे तब ये बल्ब यानी जलेगा। तो इसमें हम जो लाइन देंगे वो हमारी निगेटिव लाइन होगी, जब निगेटिव और पॉजिटिव आपस में भिड़ते हैं तभी ये बल्ब जलता है। उसी प्रकार तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको समझाया, वैसे ही यहाँ पे आपको एक आईसी देखने को मिलती है जिसमें हमें 9 पॉइंट भी मिल सकते हैं और 6 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो मैं 6 पॉइंट वाली आईसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसा मैंने एग्जांपल दिया उसी प्रकार से इसमें भी वर्क करती है। तो इसमें आपको एक यहाँ पे बक वायर देखने को मिलेगा और इस पे जो हमारी लाइन आएगी ये हमारी बीपीएस पावर लाइन पावर आईसी से यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है ये लाइन, यहाँ पे कंपोनेंट आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे जो एक तरफ से ग्राउंड होंगे, और ये लाइन एक तरफ से इसमें जाती है और एक तरफ से निकल के इसमें आती है और एक तरफ से इसमें जाती है। इसी प्रकार से लाइन होती है। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से जब निकलती है यहाँ से लाइन इस डायोड के थ्रू निकाली जाती है, ये लाइन यहाँ पे आई। ठीक है, ये एक डायोड होगा, यहाँ पे डायोड मिलेगा, उसके बाद में इसमें कैपेसिटर और भी मिलेंगे, एक तरफ से ग्राउंड होंगे, कई सारे ग्राउंड मिलेंगे। उसके बाद में ये लाइन हमारी सीधा निकल के जहाँ पे हम डिस्प्ले लगाते हैं वहाँ पे जाती है। इसी प्रकार से इसमें पॉइंट मिलेंगे, डिस्प्ले सप्ताह हमारा होता है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी मान लीजिए इस पॉइंट पे आती है, ये हमारी हो गई वी पी एच, जैसा कि मैंने उसमें भी समझाया था। तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये हमारी पॉजिटिव लाइन होगी, जो कि हमारी पीएमआईसी से आ रही है। इसके जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो 3.7 से 4.2, ठीक है, इतने वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यानी 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव लाइन, अगर इसमें डिस्प्ले हम लगाते हैं तो ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अभी एक ही लाइन है। अब इसमें एक लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब इसको जब हम मोबाइल के स्मेटिक या फिर बॉडियो में देखते हैं तो इस लाइन को हम एलईडीए की लाइन, ये लाइन हमारी होती है एलईडीए, और इसमें इसको लाइट जलाने के अब चाहिए हमें निगेटिव लाइन, जिसको हम एलईडी डीके के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे लाइन निकलती है तो इसमें एक 10-10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि एक तरफ से ग्राउंड होता है, -10 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो -10 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो कि हमारी लाइन को ग्राउंड करता है। उसके बाद में लाइन इसके सामने वाले पॉइंट पे, और ये लाइन यहाँ से 2 पॉइंट पे भी हो सकती है, तो ये भी दुनिया पे 2 पॉइंट पे होगी, ये जो हमारी लाइन होगी LEDK। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन आती है, तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे, जब आपकी डिस्प्ले नहीं लगी होगी तो यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ ग्राउंड से बीप करती हुई दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसमें चार्जिंग वो डिस्प्ले अपना लगाते हैं
तो ये लाइनें दोनों आपस में स्विचिंग करती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल में समझाया। उसके बाद में ये लाइन हमारी यानी जो डिस्प्ले लाइट होती है वो जलने लगती है, यानी जैसे ही हम इस पर पत्ता लगाएंगे तो ये लाइन हमारी ओके हो जाए, ओके होगी तो बिल्कुल लाइट हमारी जलेगी। इसी प्रकार से आप मोबाइल की, मान लो इसमें और भी लाइनें होती है, लेकिन मैंने जो स्पेशल था जो लाइट के बारे में मुझे समझाना था वही मैंने समझाया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आता है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहते हैं, और हमारे चैनल पे आपको हर मोबाइल का बॉर्नियो मिलता रहेगा जैसे हम देते रहते हैं।